गाइस, मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। तो अभी टाइम हुआ है 1 बजा है और मैंने वीडियो को, जो मैंने अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैंने एडिट करके बस प्राइवेसी में अभी रखा हुआ है, पब्लिक नहीं किया है। थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह बनाना है, उसके बाद मैं पब्लिक करने वाली हूँ। तो पहले मैंने सोचा अनन्या को भूख लगी है तो अनन्या को खाना खिला देते हैं, मुझे भी लगी है भूख। तो आज के खाने में क्या क्या है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के खाने में है ये ककरौंदा प्याज वाले दाल, प्लेन दाल अन्ना के लिए, राइस, रोटी और ये सैलेड, सैलेड मेरे लिए, चुकंदर मेरे लिए, खीरा मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। अन्ना के लिए दाल चावल रोटी, खाएगी तो खा लेगी। तो ये ककरौंदा प्याज वाले फ्लिपकार्ट से आया ऑर्डर, इतनी धूप में जा रहे पिक करने। अन्ना क्या है इसमें, आप बताओ क्या हो सकता है इसमें, है ओपन नहीं हो रहा। आप फोन पकड़ो, मम्मा करेगा। तो यहाँ मैं कर रही थी अनबॉक्सिंग, जो मैंने ऑर्डर मंगाया हुआ था। तो मैंने क्या मंगाया आप लोग चलिए देखिए। तो मैंने जैसे कि अपने लिए नहीं मंगाया, बेटी के लिए मंगाया और उसकी अम्मा के लिए मंगाया। तो देखिए आप लोग, तो इधर मैं उठा रही थी चाकू, क्योंकि अनबॉक्सिंग करेंगे तो हाथ से तो हो नहीं पाता है, या पिन हो या फिर। तो मेरे टेबल पर रखा था चाकू, तो चाकू की हेल्प से मैं कर रही थी। तो इसमें क्या निकलता है, क्या निकलने वाला है, तो बने रहना है। वीडियो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड है, आगे आपको मिलेगा कि मैंने और सासू माँ ने मिल के बनाए हैं लड्डू। और वो हरीरा वाले लड्डू होते हैं जिसको बोलते हैं विश्वार के लड्डू, तो वो भी रेसिपी मिलेगी आपको, तो बने रहना है। तो फाइनली मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है और जैसे कि निकलने वाला है। और नानी को पूछ रही थी क्या है क्या नहीं, तो वो बता नहीं पा रही थी। तो मैंने फाइनली मंगाई है मैबलिन की बेबी लिप मंगाई हुई है, तो एक उसकी अम्मा के लिए और एक अनन्या के लिए। अनन्या लगाती है डेली में, तो मैं अपने लिपस्टिक नहीं लगाने देती मैं, और कभी कभार मैं भी लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं और अनन्या एक में लगा लेते हैं। तो पहले भी थी लेकिन मंगा दी है, उसकी दादी के पास नहीं थी तो उनके लिए मंगा दी है। तो जैसे कि आगे आपको मिलेगा कि मेरे किचन में क्या बन रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बन रहे हैं गुलाबी गुलाबी से रसगुल्ले, तो जैसे कि यहाँ रसगुल्ले बन रहे हैं। और जैसे कि क्या बोलते हैं, मेरी नानिया को पसंद है रसगुल्ला खाना, तो उसके लिए उसकी दादी बना रही है, अम्मा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बन जाते हैं फाइनली रसगुल्ला बन के रेडी, और चलते हैं इनको सर्व करते हैं। इसकी रेसिपी नहीं है मेरे ब्लॉग में, तो थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया हुआ था। रसगुल्ला और मेरी नन्या को पसंद है, तो नन्या कौन बना रहा है रसगुल्ला, अम्मा बना रही। तो आ गए हैं रसगुल्ला बन के, नन्या तो खा चुकी है और बाकी और लेके आ गई है, जिसको भी खाना हो तो ब्लॉग में खा सकता है, नहीं तो बाद में नहीं कहने बुलाया नहीं ना, पता है खा लो। नानी मम्मा को खिला रही अच्छे बने हो, खा लो, आपको अच्छे लग रहे हैं। रसगुल्ला है ये, कुछ नहीं है, वो खोया है, खाओ खोया, जल्दी खाओ खोया। तो मैंने पहले तो नहीं खाए हुए थे, तो मैंने सोचा नान्या खा रही है तो मेरा ही मन चला है, तो मैंने भी गरम गरम दो रसगुल्ले खा लिए, क्योंकि गरम गरम का स्वाद अलग होता है। तो पहले आप लोग खाइए फिर मैं खाती हूँ, तो जैसे कि और फिर आपको मिलेगा मेरा ब्लॉग। जैसे कि ये मेरा ब्लॉग 2 दिन का है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और अभी मेरे बेबी शावर के ब्लॉग वगैरह आ रहे थे मेरे चैनल पर, तो उनको कंप्लीट किया था। अब मैं डेली ब्लॉग्स वगैरह प्रेगनेंसी के जो भी मेरी ब्लॉग्स वगैरह रहते थे वही अपलोड किया करूँगी, ठीक है। और बाकी बेबी शावर तो हो गया, तो आप लोगों को ब्लॉग्स वगैरह वो कैसे लगे आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो मिलूँगी नेक्स्ट डे, और जैसे कि नेक्स्ट डे में मैं क्या करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट डे में मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किया हुआ था, मैंने किया था
इवनिंग से लगभग 3-4 के बीच में, और दिन भर मैं लेटी रही थी क्योंकि मेरे हाथ पैर में हो रही थी, हाथ में नहीं सॉरी पैर में मेरे एटम दर्द वगैरह हो रहा था ज़्यादा। तो मैंने ब्लॉक वगैरह वो वाला भी मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा मिक्स करके एक ब्लॉक अपलोड कर देती हूँ आज। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, शाम की टाइम हो रही थी रेडी, और जैसे कि सुबह तो मैं रेडी हुई नहीं थी, तो मैं शाम को ही तैयार हो रही थी। तो मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, बस मैंने पॉन्स वाइट ब्यूटी का पाउडर लगा लिया। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, खुशबू स्मेल होती है इसमें बहुत अच्छी आती है। तो सिंपल सी लगा ली छोटी सी बिंदी, और मुझे डेली में बिंदी छोटी पसंद है, और फिर लगा ली मैंने बेबी लिप, और फाइनली हो जाते हैं सिंपल वाले रेडी। और फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं अब क्या मेरी सासूमा बना रही हैं। तो हम लोग मिल के बनाने वाले हैं जो होते हैं विश्वार के लड्डू, तो उसकी रेसिपी है थोड़ी बहुत, वो आप लोग देख के इंजॉय कर सकते हैं। जिसको अगर बनाना नहीं आता है वो सीख भी सकता है, बना भी सकता है, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रेगनेंसी वूमेन वगैरह भी देखती है, तो वो भी बना के खा सकते हैं, अच्छे रहते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको, फिर मुझे याद आ गया काजल लगाना, तो मैं बाद में लगा रही थी काजल, और काजल मैं ये वाला लगाती हूँ डेली में, और जब कहीं आना जाना होता है तो मैं लिक्विड वाला या जेल वाला लगा लेती हूँ। तो डेली में तो मैं यही वाला लगाती हूँ क्योंकि अनन्या के लगाती हूँ, तो यही मुझे पसंद है, यही फिंगर की सहायता से यही वाला मैं लगा लेती हूँ काजल। तो टाइम हो गया लगभग 5:45 के आसपास हो गया था, तो अब जा रही हूँ मैं किचन में। और किचन में जैसे कि मैंने, हम लोगों ने मिलके ड्राई फ्रूट जो भी लड्डू में डालने थे हम लोगों को, तो मैंने पहले से हम सब लोगों ने मिलके कटिंग करके रख लिए थे। मैंने सिर्फ बादाम काटे थे, बाकी मम्मी ने करी और जो भी चीज़ें जैसे काजू हुआ ये सब काट लिए थे और काट के रखे हुए हैं। तो मुझे थोड़ी जैसे कि अब 2 मंथ 1.5 मंथ जो भी बचा हुआ है, तो इसमें मैं अच्छी डाइट वगैरह ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने लड्डू देसी घी वाले बने हुए हैं। तो जैसे कि आटा वगैरह मैंने भूंज लिया है, उसको फ्राई कर लिया है आटे को, और आटे को फ्राई करने के बाद और फिर होगी क्या मैं कर रही हूँ आप लोग देखिए, कढ़ाई मैंने दूसरी रख दी है, और कढ़ाई को रखने के बाद फिर मैं इसमें पहले क्या भूंज रहा हूँ मैं। तो मैंने सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से भूंज लिया है। आपके पास जो भी आप डालना चाहो लड्डू में आप उसको ऐड कर सकते हो, मेरे पास जो भी थे मैंने उनको ऐड किया हुआ है। थोड़ी क्वांटिटी में मैं लूँगी हल्दी, और क्योंकि गर्मी वैसे ही है और जून का मंथ चल रहा है, तो गर्मी वैसे ही ज़्यादा हो रही है, और गर्मी नहीं करें लड्डू इसलिए जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह भी डले हुए हैं, तो मैं थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट वगैरह नहीं डलवाई मैंने इसमें, क्योंकि ओनली हल्दी डलवाई जिससे कि गर्मी वगैरह नहीं करें, नुकसान भी नहीं करें लड्डू इसलिए। तो यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट वगैरह भूनने के बाद फिर मैंने ग्राइंडर कर लिया मिक्सी से, जिससे कि लड्डू जो बनेंगे स्मूथ बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो सब कुछ सभी को मैंने मखाने गरी बादाम और काजू, ये 4 मेवा थी जो ड्राई फ्रूट, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंडर कर लिया है मिक्सी में, पीस लिया बुरादा सा कर लिया है। अब उसमें जो भी जैसे कि आटा बनेगा जो फ्राई हुआ रखा था, तो उसमें मिला दिया हल्दी वगैरह को भूनने के बाद, हल्दी को भी भूनना होता है, आप चाहे तो कच्ची तेल में भून सकते हो या फिर आप घी में भून सकते हो, जो आपको ठीक लगे उसमें आप वगैरह सकते हो। ये बन गया था चीनी और मिठाई का पाक, जिसको बोलते हैं चाशनी। तो यहाँ पे बन रहे हैं फाइनली लड्डू, बने नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं कुछ काम करने लगी थी, कुछ उठाने लगी थी,
प्लेट वगैरह या बाउल वगैरह रखने के लिए। तो ड्राई फ्रूट हो गए थे ज़्यादा और आटा थोड़ा सा कम पड़ गया था जो फ्राई किया हुआ था उसमें, तो उसको दोबारा से जैसे कढ़ाई में फ्राई करना है, तो इसलिए कढ़ाई को मैं वो जो भी लड्डू का मटेरियल हो रखा है तो उसको मैं तसला में कर रही हूँ, और प्लेट जो तसला होता है उसमें, और फिर कढ़ाई में मम्मी जाएंगी दोबारा से आटे को फ्राई करके लाएंगी, और उसके बाद जो कढ़ाई में मिठाई और चीनी का जो चाशनी हो रखी थी तो उसको भी मतलब सही से जो स्वाद उसमें डल जाएगा आटा और थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो मीठे का भी इसमें मैंने जो टेस्ट किया है तो हल्के सीटे लग रहे हैं, जैसे कि मीठे कम लग रहे थे, हाथ चिकने चिकने हो गए। तो फाइनली लड्डू फिर आटा द्वारा मिलाने के बाद बन के रेडी हो जाते हैं, और इनका स्वाद वगैरह कैसा क्या है वो आपको बाद में मिलेगा, इसी ब्लॉग में मिलेगा। तो फाइनली बन गए हैं ये हरीरा वाले बिस्वार के लड्डू। तो गाइस लड्डू टेस्ट करेंगे, और एक ग्लास दूध लाई हूँ, तो दूध पियूंगी और एक लड्डू खाऊंगी। ठंडा दूध है फ्रेश का, गर्म नहीं है। दूध पीना है